नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे पटना शहर के इतिहास के बारे में और उस समय के पटना शहर के कुछ रोचक तथ्य भी। दोस्तों वीडियो छोटा होगा तो बने रहिएगा अंत तक, और अगर आपको पटना के इतिहास के बारे में कुछ नया पता चले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं पटना शहर का इतिहास। पटना प्राचीन समय में लगभग 2500 साल पहले मगध राज्य की राजधानी, जिसका नाम होता था पाटलिपुत्र, जो कि अनेकों अनेक शूरवीर साम्राज्यों और राजवंशों के उत्थान व पतन का साक्षी रहा है। दोस्तों आज हम जिस तरह से पटना शहर को देखते हैं, आज से 2500 साल पहले तक ये इससे बिल्कुल अलग हुआ करता था। भले ही आज पटना एक आधुनिक शहर हो और विकास के साथ कदम से कदम मिला रहा हो, लेकिन उस समय के महान राजाओं के राजवंश में पटना शहर न केवल भारत राष्ट्र में बल्कि पूरे विश्व में सफलता और भव्यता के चरम शिखर पर था। पाटलिपुत्र को सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे महान वीर व अपराजित योद्धाओं का नगर भी कहा जाता है। इसी पाटलिपुत्र शहर ने प्राचीन भारत राष्ट्र को दुनिया के सबसे महान साम्राज्य दिए हैं, जैसे कि शिशुनाग राजवंश, नंदा राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्ता राजवंश और पाला राजवंश, जिन्होंने उस समय सैकड़ों सालों तक शासन किया और अपने राजसत्ता में पाटलिपुत्र को विश्व विख्यात नगर बनाया। अगर ये कहा जाए कि अधिकतर भारत उस समय इसी शहर से चलता था तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हरियंका राजवंश के राजा अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में किया था, गंगा नदी के किनारे। उस समय ग्रीक फिलोसोफर मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का दौरा किया था और इसे पूरे दुनिया का सबसे विकसित, शिक्षित, संपन्न और समृद्ध शहर बताया था। इस शहर का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और ये दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन और पहले बने शहरों में से एक है, जो कि आज तक पूरे शान से आगे बढ़ता जा रहा है। बाद में लगभग 7वीं शताब्दी में सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर पटना कर दिया और तब से आज तक ये शहर इसी नाम से जाना जा रहा है। तो दोस्तों ये था पटना शहर के इतिहास के बारे में हमारा एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको इसी तरह अपना या किसी और शहर का इतिहास जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर बताइए, हम जरूर उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और किस शहर के बारे में डिटेल में जानना है कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।